फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल सबके सब पर। बहुत दिनों से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि किसी भी फोटो का जो आउटलाइन स्ट्रोक होता है वो कैसे बनाना चाहिए और वो फोटो उसी बैकग्राउंड का ही हो, यानी किसी भी फोटो का बैकग्राउंड अलग ना हो, उसी बैकग्राउंड पर अगर मुझे स्ट्रोक बनाना हो तो कैसे बनाना चाहिए। और क्वेश्चन इसमें यह भी था कि अगर मैं स्ट्रोक हाफ दिखाना चाहूँ, यानी वन साइड ही बहुत बार दिखाया जाता है, उस तरह का स्ट्रोक भी अगर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। तो इस ट्यूटोरियल में दोनों चीज़ें बताने जा रहा हूँ। बहुत ही इजी ट्रिक है, आसानी से किया जा सकता है। देखिए, अच्छे से समझिए और इसको अप्लाई ज़रूर कीजिए। तो आइए सीखते हैं। तो ये है ओरिजिनल इमेज। सबसे पहले आप इस इमेज का सिलेक्शन बनाएं। सिलेक्शन बनाने के लिए आप किसी भी टूल का यूज़ कर सकते हैं, आपको बहुत सारे टूल्स मालूम है। फिलहाल मैं इसका सिलेक्शन क्विक सिलेक्शन टूल से बनाने जा रहा हूँ। यहाँ से हम लोग क्विक सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करेंगे और इस तरह से हम लोग इसका सिलेक्शन बना लेंगे। अब जहाँ जहाँ पर सिलेक्शन ठीक से नहीं हुआ है उसको जूम करके लासो टूल से सिलेक्शन कर लें। लासो टूल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ ऐड टू सिलेक्शन रखते हुए जूम करेंगे अपने इमेज को। और देखिए, यहाँ पर सिलेक्शन ठीक से नहीं हुआ है तो इसको मैं इस तरह से सिलेक्शन कर लूँगा। अगर आप क्विक सिलेक्शन टूल अच्छे से यूज़ नहीं कर सकते हैं तो आप पेन टूल का यूज़ करें। अब ये सिलेक्शन अच्छे से हो जाने के बाद आपको सिर्फ इस इमेज की कॉपी बनानी है। कॉपी बनाने के लिए कंट्रोल जे प्रेस करें। ये देखिए, कॉपी हमारे ऊपर बन गई है। अब उसके बाद इस इमेज पर डबल क्लिक करेंगे यहाँ से, और यहाँ देखिए स्ट्रोक का ऑप्शन होगा, आप इस पर क्लिक करके सेलेक्ट कर लीजिए और जैसा कलर चाहते हैं यहाँ से क्लिक करके कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ येलो कलर डालना चाहते हैं तो येलो डाल दीजिए और उसके बाद इसके स्ट्रोक के साइज को बढ़ा दीजिए। आपको यहाँ पर ध्यान सिर्फ ये रखना है कि इसका पोजीशन आउटसाइड होना चाहिए, गलती से इनसाइड या सेंटर ना हो। अगर इनसाइड या सेंटर कर देंगे तो इसका लुक अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये स्ट्रोक आपके इमेज के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। तो यहाँ आउटसाइड रखेंगे और उसके बाद आप इसकी ओपेसिटी यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, जितना दिखाना है उतना आप यहाँ से दिखा सकते हैं। अब हमने इसके साइज़ को 20 पिक्सल रखा है और यहाँ से ओके करता हूँ। अब इस इमेज के साथ स्ट्रोक आ चुका है। अब हम लोग चाहते हैं कि इसका वन साइड ही स्ट्रोक दिखाई दे, तो आप इस स्ट्रोक को अलग कर सकते हैं। यहाँ राइट क्लिक करें और यहाँ से क्रिएट लेयर ज़रूर कर दें। अब ये अलग हो जाने के बाद आप इसको कंट्रोल जे से कॉपी कर लीजिए और नीचे वाले आई बॉल को बंद करके यहाँ से इरेजर टूल लेंगे और जितना डिलीट करना चाहते हैं वहाँ तक डिलीट कर सकते हैं। जैसे इस हिस्से को आप डिलीट कर दीजिए तो ये वन साइड दिखने लग जाएगा। अब आपको दोनों साइड दिखाना है तो ऐसे कर लें, वन साइड दिखाना है तो इस तरह से कर सकते हैं। और अगर आपको इस साइड का कलर अलग रखना है तो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे और इसका कलर यहाँ से कलर ओवरले में जा करके कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे इस साइड का मैं कुछ इस तरह का कलर रखना चाहूँ तो इस तरह का कलर भी रख सकता हूँ। तो डबल कलर का भी स्ट्रोक आप ऐसे बना सकते हैं। इसी तरह से अगर आप फोटोशॉप को डिटेल्स में सीखना चाहते हैं और इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो सिर्फ 2500 रुपये में फ़ोटोशॉप का ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कीजिए और 2 महीने के अंदर अंदर इस फोटोशॉप को अच्छे से सीख करके अच्छा करियर बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मेरा प्रीमियम क्लास ज्वाइन करना तो आप मुझे अभी कॉल कीजिए। मैंने कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप कॉल कर सकते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। इसके सब्सक्राइबर्स को इनक्रीज़ करने में आप अपने दोस्तों से कहें, अपने ग्रुप में शेयर करें ताकि सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो लाइक तो कम से कम ज़रूर कर दिया करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।